तो दोस्तों आज हो गई है 2 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आज होंगे जारी, किसकी जीत किसकी हार आज आएगा फैसला। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, अब आज उसी उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। जीतने के दावे हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन असल नतीजे अब यहां पर कुछ समय में आने शुरू हो जाएंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, ऐलानाबाद में तय होगा किसान या फिर बीजेपी, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी का मुकाबला इस बार किसी पार्टी या नेता से नहीं, सीधे तौर पर किसानों से था, क्योंकि किसान आंदोलन का असर पड़ना यहां पर तय है और अभय चौटाला ने यहां पर इस सीट से इस्तीफा दिया था जिसके कारण उपचुनाव यहां पर करवाया गया। और वहीं लालू यादव की एंट्री ने बिहार चुनाव को बनाया दिलचस्प, बिहार की 2 सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर की किस्मत भी आज यहां पर तय हो जाएगी कि इस सीट पर किसकी जीत होती है। यह यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। अगली खबर बताते चलें, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है वरना किसान ट्रैक्टर से करेंगे दिल्ली सीमाओं का घेराव, राकेश टिकैत ने दे दी है बड़ी चेतावनी केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से 26 नवंबर तक 3 विवादित कृषि कानूनों का समाधान करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर देश भर के किसान दिल्ली के धरना स्थलों पर ट्रैक्टर लेकर के इकट्ठा हो जाएंगे। और वहीं बाकियों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि अगर किसानों को धरना स्थलों से जबरन हटाने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और वे यहां पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान होने लगा है किसान नेताओं की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी चौतरफा घिरी है, बीजेपी का बहिष्कार हुआ है शुरू, मिहिर भोज जाति विवाद इस बार दिवाली नहीं मनाएगा गुर्जर समाज, महापंचायत में हुआ है बड़ा फैसला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में आयोजित गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने दीपावली का त्योहार नहीं मनाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यूपी के अंदर। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा किसानों की पीड़ा बहुत बड़ी है, उनकी बात सुनना जरूरी है। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों की पीड़ा को समझने के लिए बोलने से ज्यादा उनकी बात सुनना जरूरी है। वरुण गांधी ने फसलों की बढ़ती लागत और किसानों को उनकी फसल का एमएसपी ना मिलने समेत देश भर में बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर खुलकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। यही नहीं, वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर सीधे कोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को जेल भेजवाएंगे और जो भी नेता दोषी होगा उसको भी सजा दिलवाएंगे। वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि वह सरकार के सामने ऐसे मामलों में गिड़गिड़ाने या झुकने वाले नहीं है, वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है वरुण गांधी का और इस बार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया है बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने। एक और बड़ी खबर बताते चले, महंगाई को लेकर के लालू यादव ने किया है तीखा हमला, कहा 3 काले कृषि कानूनों का असर 2-4 साल में ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को बताते चलें, महंगाई को लेकर के लालू यादव ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। इस बार उन्होंने सरसों के तेल के बढ़ते दामों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं, रुकिए 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों के बाद और
अधिक समझ में आएगा। ये यहां पर लालू यादव ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर, तीनों ही काले कृषि कानूनों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भीम सेना ने समाजवादी पार्टी को दिया है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन। आप लोगों को बताते चलें, अभी तक गैर राजनीतिक रही भीम सेना के संस्थापक ने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात करके सपा को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। भीम सेना के संस्थापक डॉक्टर सनाउल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करके सपा को हर तरह से समर्थन देने का वायदा किया है। और वहीं भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र राव ने कहा है कि वर्तमान सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, किसान, नौजवान का उत्पीड़न चरम पर है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस अहंकारी सरकार को सत्ता से दूर करने के लिए भीम सेना ने बहुजन समाज के अधिकार, सम्मान व सुरक्षा के लिए, गरीबों को जमीन का पट्टा देने के लिए, SC ST एक्ट को और भी सबल व प्रभावी बनाने के लिए, प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया गया है और इस BJP सरकार को सत्ता से बाहर करना ही पड़ेगा। ये यहां पर कहना है भीम सेना का और सपा को दे दिया है समर्थन। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, देश भर में महंगाई से हाहाकार, कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 रुपए के पार। राहुल गांधी बोले जेब कतरों से सावधान। आप लोगों को बताते चलें, देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जनता काफी परेशान है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रसोई गैस के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 के पार पहुंच गए हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इस पूरे मामले पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जेब कतरों से सावधान। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की है, जिससे यह पता चलता है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज टैक्स से सरकार की कमाई यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बर हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा नहीं लड़ूंगा आगामी यूपी विधानसभा चुनाव, पार्टी के प्रचार में ही दूंगा पूरा ध्यान। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वह इसके बजाय अपनी पार्टी के प्रचार पर ही ध्यान देंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के प्रचार का यहां पर चेहरा होंगे। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि RLD के साथ हमारा गठबंधन तय हो गया है, सीट बंटवारे को अंतिम रूप यहां पर दिया जाना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि लोगों ने राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस लाने का मन बना लिया है और इस सरकार की विदाई अब तय है, BJP की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कपिल सिब्बल ने BJP पर साधा है निशाना, वे केवल धर्म की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने महंगाई को लेकर के मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि लोगों की आय भी बढ़ी है, इसलिए उन्हें बढ़ती कीमतों को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि केवल BJP के लोगों की ही आय बढ़ी हुई है, आम लोगों की नहीं, और इसलिए वे महंगाई की मार झेल रहे हैं। ईंधन, रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वे गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं और केवल धर्म की ही राजनीति करते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि मुझे उम्मीद है कि लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इसकी शुरुआत यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव में BJP की हार से होने जा रही है। ये यहां पर टूटू कहना है कपिल सिब्बल का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, पंजाब से दोस्तों बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री चन्नी की सरकार का दिवाली तोहफा, बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की बड़ी कटौती। और वहीं महंगाई भत्ते पर क्या कुछ हुआ है आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली की दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा करते हुए कहा कि आज हमने जो बिजली खरीदी है वह 2.65 रुपए में है। जब हमने एक सर्वेक्षण किया तो लोगों ने हमें बताया कि उन्हें मुफ्त नहीं बल्कि सस्ती बिजली चाहिए।
और वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। और वहीं मीडिया से उन्होंने कहा है कि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह लोगों के लिए दिवाली का एक बड़ा उपहार है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आज के समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।